हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर 5। तो ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब ये एसपी बक्सी से ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड है। वो क्या है? वन वर्ड्स डिनोटिंग प्लेसेस, मतलब डिफरेंट प्लेस के ऊपर वन वर्ड। जैसे कि मछलियाँ जहाँ रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? जहाँ पे बर्ड्स रखते हैं, बर्ड्स जहाँ पे रहता है उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? जहाँ पे फाइटिंग होता है उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? तो ऐसे इस टाइप के प्लेसेस के रिलेटेड वन वर्ड इस टोटली लेक्चर 5 में हम देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के बस ईयरफोन लगा लो। ईयर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ईयरफोन लगा के और देखो, क्योंकि अच्छे से, मतलब और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ मेरे वॉइस और आपके सामने पिक्चर होगा, बस उतना ही देखो। नेक्स्ट देखो, स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या है? ए प्लेस, पहला सेंटेंस, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। जिस जगह पे एनिमल्स को मारा जाता है, ठीक है दोस्तों, मार्केट के लिए, मार्केट में लेने के लिए, जैसे मछलियाँ हो, गोट हो, जो मटन बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, तो क्या करते हैं वो? जहाँ पे स्लॉटर किया जाता है, स्लॉटर का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे मारते हैं, ठीक है, मतलब जान लेते हैं, जहाँ पे मार के जो मार्केट के लिए सप्लाई किया जाता है। तो जिस प्लेस में मारा जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? एबेटोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबेटोर, ABATTOIR, ठीक है। क्या हो गया ये? एबेटोर। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखा जाता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपियरी, APIARY। नेक्स्ट देखो, ए टैंक फॉर फिशेस, जिस जिस टैंक में मछलियाँ रखते हैं। आपको पता होगा, आपके घर में होगा कहीं ना कहीं, मैक्सिमम लोगों के घर में ये होता है, एक छोटा सा टैंक में, कांच का टैंक में मछलियाँ रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, एक्वा रियम, एक्वेरियम मतलब जहाँ, जिस टैंक में मछलियाँ रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है देखो, ए प्लेस फॉर रेसलिंग, जो रेसलिंग के लिए जो प्लेस होता है, आपने देखा होगा WWE या UFC फाइट, तो एक रिंग के तरह होता है, चार कोने का एक स्क्वायर रिंग होता है, जिसके बीच में यहाँ पे दो बंदे फाइटिंग करते हैं, ठीक है, दो बंदे फाइटिंग करते हैं। तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? एरीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एरीना, ARENA, एरीना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, ए प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन्स, तो जिस प्लेस में एमुनिशन और वेपन, मतलब जो हथियार रखा जाता है, गोला बारूद हथियार जिस प्लेस में रखा जाता है सेव करके, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? आर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्सेनल, आर्सेनल। क्लियर? देखो दोस्तों, ये जो वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेशन है, समझ लो। आपको कुछ नोट नहीं करना है, बस आपको देखना है, सुनना है और समझना है, बस। इससे आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है, आपके मेमोरी में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रुक जाएंगी, ठीक है। तो बस एक प्रैक्टिस सेशन की तरह ये चल रहा है, और यहाँ से रिविजन भी हो जाता है सबका। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रेफ्यूजीज, इसका मतलब क्या है दोस्तों? ए प्लेस मतलब एक जगह जहाँ पे ल्यूनेटिक्स और पॉलिटिकल रेफ्यूजीज रहते हैं। पॉलिटिकल रेफ्यूजीज का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, जिस टाइप के पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं जिनको खतरा होता है किसी ना किसी से, ठीक है, पॉलिटिकल रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज का मतलब क्या है? उनको खतरा होता है, उनको कोई धमकी देता है कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तो उन पॉलिटिकल, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल रेफ्यूजीज। तो उनको जान का खतरा होता है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक जगह में रखा जाता है सुरक्षित, सिक्योरिटी दे के। तो उस टाइप के प्लेस पे, जहाँ प्लेस, जिस प्लेस में सिक्योरिटी दे के रखा जाता है सेफली, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में वन वर्ड में? एसिलम बोलते हैं, ASYLUM, एसिलम। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पंक्षियाँ रहते हैं, मतलब बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स रहते हैं मतलब पूरा झुंड होके, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों वन वर्ड में? एवियरी बोलते हैं, एवियरी, ठीक है। देखो, एपियरी मतलब जहाँ पे मधुमक्खियाँ बीस को रखा जाता है, और जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं वहाँ पे हम उसको बोलते हैं एवियरी। तो कंफ्यूजन नहीं होना इसमें, एपियरी और एवियरी दो अलग अलग हैं।
नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो फाइल्स वगैरह होते हैं, जिस प्लेस में रखा जाता है गवर्नमेंट के जो फाइल्स रिकॉर्ड्स, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्काइव्स। ARCHIVES, ठीक है, आर्काइव्स। नेक्स्ट देखो, द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा एक कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर खोद के होल बना के, एक टनल की तरह बना के उसके अंदर जिंदा रहते हैं, ठीक है। वो बाहर नहीं रहते, वो अंदर रहते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं कि नेवला, ठीक है। जो नेवला नॉर्मली क्या होता है कि वो थोड़ा मतलब ऐसे अंडरग्राउंड उन लोग खोद के थोड़ा अंदर की तरफ रहते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो जो एनिमल्स, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, मतलब जो लोग खोद के अंदर रहते हैं, अंडरग्राउंड में जिस एनिमल, जो एनिमल रहते हैं, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? जो खोदा हुआ प्लेस, मतलब जो गड्ढा करके जो अंदर जाते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? बुरो। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुरो। BURROW, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर एमुनिशन इज हिडन। एमुनिशन का मतलब क्या है दोस्तों? हथियार, ठीक है। जितने भी जो गोला बारूद हथियार होते हैं, जहाँ पे हाइड करके रखा जाता है। देखो, जहाँ पे एम्युनिशन और वेपन को रखा जाता है उसको हम अर्सेनल बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे हाइड करके छुपा के रखते हैं, जहाँ पे छुपा के रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैश। क्या बोलते हैं? तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैश है, ठीक है। कैश इसको बोलना है, मतलब पैसा वाला कैश नहीं है, ये कैश है। वो कैश है और ये कैश है, CACHE। जहाँ पे गोला बारूद को छुपा के रखा जाता है, और जहाँ पे गोला बारूद को रखा जाता है उसे हम बोलते हैं अर्सेनल। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस फॉर बर्ड्स, जहाँ पे बर्ड्स, मतलब जो बर्ड्स के लिए जो प्लेस प्लेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? CAGE। केज मतलब जो जा मतलब एक जो जाली के अंदर जो एक बर्ड्स को रखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरट घर में लोग रखते हैं, तो एक छोटा सा जाली के अंदर पैरट को जो रखा जाता है उसको हम बोलते हैं कैच। तो ये दोनों डिफरेंस है। देखो, ये दोनों आपको कंफ्यूज होता होगा, अभी आपको कंफ्यूजन आता होगा ये दोनों में। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट और ए प्लेस फॉर बर्ड्स, ये दोनों में कंफ्यूजन है। जहाँ पे ये वाला पहला वाला क्या है? ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, और जो बर्ड्स का जो प्लेस होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है झुंड करके, उस झुंड मतलब जितने, मतलब एक बर्ड को नहीं, बहुत सारे बर्ड्स, लाखों लाखों बर्ड्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवियरी। और जहाँ पे एक बर्ड रखा जाता है, जैसे कोई एक जाली के अंदर, जाली के अंदर हम बहुत सारे बर्ड्स नहीं रख सकते, कम होता है, लिमिटेड होते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो? 2, 3, 4 ऐसे होते हैं आप मैक्सिमम। तो प्लेस फॉर बर्ड्स, तो एक जो बर्ड का जो प्लेस होता है उसे हम बोलते हैं केज। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स, देखो जहाँ पे जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग टेबल, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैसीनो। क्या बोलते हैं? कैसीनो। ये सबको पता होगा, कैसीनो सब हम लोग जितने भी मूवीज वगैरह होते हैं हम सुनते हैं कभी ना कभी कैसीनो के बारे में। तो कैसीनो मतलब जहाँ पे गैम्बलिंग टेबल्स होते हैं, मतलब गैम्बलिंग का मतलब जुआ खेला जाता है जहाँ पे। नेक्स्ट देखो, एक ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बिरीड। तो देखो, जहाँ मतलब ग्रेवयार्ड का मतलब क्या है? जो शमशान, ठीक है, जहाँ पे डेड बॉडी को गाड़ा जाता है जमीन के अंदर, तो उस ग्रेवयार्ड को, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? सिमेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिमेटरी। CEMETERY, सिमेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में दोस्तों जो लगेज रखते हैं, जिस प्लेस में, ठीक है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में एक लगेज का अलग सा रूम होता है, अलग सा एक प्लेस होता है, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लॉक रूम। CLOAK, रूम, क्लॉक रूम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए रेसिडेंस फॉर नंस। नंस का मतलब क्या है दोस्तों? नंस का मतलब होता है जो सन्यासी, ठीक है, सन्यासी लोगों का जो घर होता है, रेसिडेंस, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंट। तो कॉन्वेंट जो स्कूल बोला जाता है, इसी मीनिंग से है। वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह को नन की तरह मतलब ट्रीट किया जाता है। नन मतलब एक साधु सन्यासी की तरह वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो कन्वेंट स्कूल उसी मीनिंग से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर। तो एक नर्सरी, जो नर्सरी होता है जहाँ पे जो उनके बच्चों को केयर किया जाता है, जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जॉब करते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो उनके बच्चों को
वो एक जगह में केयर किया जाता है, नर्सरी जो स्कूल बोलते हैं नॉर्मली, वहाँ पे उनको बच्चों को छोड़ के उनके माँ बाप जो हैं वो वर्क करने के लिए, मतलब जो जॉब उनका है उस जॉब में चले जाते हैं। तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं, जो नर्सरी वाला प्लेस, उसको हम बोलते हैं क्रेच। क्या बोलते हैं दोस्तों? CRECHE, ठीक है, CRECHE, क्रेच बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, वाइल देयर पेरेंट्स, सॉरी ये एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है, केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में है, मतलब ये पूरा एक सेंटेंस है ये वाला। नेक्स्ट देखो, एक क्रेमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। क्रेमेशन ग्राउंड का मतलब क्या है दोस्तों? जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है या मुर्दों का जो गाड़ के जमीन में गाड़ा जाता है, तो उस ग्राउंड को क्रेमेशन ग्राउंड मतलब, जहाँ पे मौत होने के बाद जहाँ पे लोगों को लेके जा मतलब लेके जाते हैं हम बॉडी को, मुर्दा बॉडी को, तो उसको हम क्रेमेशन ग्राउंड बोलते हैं। तो एक क्रेमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म, जहाँ पे जो लास्ट फ्यूनरल राइट्स होते हैं, जो जितने भी जो पूजा वगैरह किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो उस क्रेमेशन ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं? क्रेमाटोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रेमाटोरियम। स्पेलिंग क्या है देखो क्रेमाटोरियम का? क्रेमा टो रियम, ठीक है, क्रेमाटोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, एन ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो ऑर्नामेंटल ग्लास का मतलब क्या है दोस्तों? एक सजा, मतलब सजा वाला एक ग्लास, ठीक है, मतलब एक ग्लास है, बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया है, सजाया गया है वो ग्लास को, तो एक ग्लास का बॉटल है जिसमें उस सजाया हुआ ग्लास के बॉटल में जो वाइन रखा जाता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखा जाता है, ठीक है, वाइन हो, विस्की हो, रम हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है ड्रिंक्स में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स या अल्कोहल ड्रिंक्स या वाइन रखा जाता है जिस ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल में, तो उस बॉटल को क्या बोलते हैं? डिकैंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डी कैन टे डिकैंटर, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द स्लीपिंग रूम्स इन कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन ए स्क्वायरल्स होम, सॉरी ये वाला अलग है। द स्लीपिंग रूम इन कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पब्लिक जो जहाँ पे लोग रहते हैं, या कॉलेज में स्लीपिंग रूम जहाँ पे लोग सोते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉर्मिटोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्मिटोरी, डॉर्मी टोरी, ठीक है, जहाँ पे जिस कॉलेज में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो रेस्ट रूम होता है, मतलब जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो उसको हम डॉर्मिटोरी बोलते हैं, ठीक है। ये सब हाई लेवल वर्ड्स हैं। हम नॉर्मली क्या है, हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कभी भी डॉर्मिटरी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं कि स्लीपिंग रूम, बेडरूम, ऐसे वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है एक्चुअली ये अप्रोप्रिएट वर्ड है, इस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये स्क्वायरल्स होम, स्क्वायरल मतलब दोस्तों आप पता होगा एक जानवर है स्क्वायरल, जिसके पीठ में तीन निशान होते हैं, तीन लाइन के जो निशान होते हैं, तीन ऐसे मतलब लाइन होता है पीठ के ऊपर, स्क्वायरल बोलते हैं उसे। तो स्क्वायरल का जो घर है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्रे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, ये पैराडाइज का मतलब क्या है दोस्तों? पैराडाइज का मतलब होता है हेवन, ठीक है, हेवन मतलब जो स्वर्ग बोलते हैं, पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस, जहाँ पे परमानंद हो, जिस पैराडाइज में परमानंद मतलब बहुत ही आनंद हो, परफेक्ट ब्लिस हो, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एलिजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिजियम। स्पेलिंग क्या है? एलिजियम, ठीक है, ELYSIUM। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड, जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? आप कहाँ जाते हो एक्सरसाइज करने के लिए? जिम जाते हो, बस उसका आंसर वही है, लेकिन जिम को प्रॉपर वर्ड है जिमनासियम, इसका जो फुल वर्ड है, हम शॉर्टकट में जिम बोलते हैं, लेकिन इसका फुल वर्ड क्या है? जिमनासियम, ठीक है, जिमनासियम इसका फुल वर्ड है, शॉर्टकट में हम इसको जिम बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जाता है। ग्रेन का मतलब क्या है दोस्तों? ग्रेन का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंट, मतलब गेहूं का और चावल का, राइस का, ये सब का जो सीड, ठीक है, ये सब का जो मतलब जो सीड होता है, उनको जो मटेरियल्स होते हैं, वो सबको हम ग्रेन बोलते हैं। तो जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है ग्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनेरी। वो क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेनेरी, GRA, ग्रेनेरी, ठीक है।
GRANARY। नेक्स्ट देखो, ये प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, जहाँ पे एरोप्लेन रखा जाता है। आपने देखा होगा, आपने जब भी एरोड्रोम में जाओ और जो जहाँ पे एरोप्लेन रखते हैं, ठीक है, एक घर छोटा, मतलब उनका एक घर होता है, एक घर होता है जिसके अंदर लेके जाके एरोप्लेन को रखा जाता है, और ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले बारिश से और तूफान से, जो भी जितने भी जो नेचुरल जो कैलेमिटीज होते हैं उससे उसको प्रोटेक्शन के लिए एक हाउस के अंदर रखा जाता है। तो उस हाउस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे एरोप्लेन रखते हैं उसको हम बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैंगर। हैंगर मतलब जहाँ पे कपड़ा टांगते हैं, वो हैंगर नहीं है, हंगर बोलते हैं, ठीक है, HANGAR। नेक्स्ट देखो, ये प्लेस फॉर बीस, जहाँ पे बी का जो प्लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइव। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइव। तो अभी हाइव क्या है? देखो, पेड़ में जो एक पेड़ में ये पेड़ का एक डाल है जहाँ पे एक मधुमक्खी का जाल लगा हुआ है, ठीक है, एक मधुमक्खी का ये क्या है, एक जाल है, तो इसको हम बोलते हैं हाइव। समझ में आया? और जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपियरी। और बीज का जो घर है, जो नॉर्मली उनका जो नेचुरल घर होता है, वो उसको हम बोलते हैं हाइव। नेक्स्ट देखो, ए वुडन बॉक्स विद ए फ्रंट ऑफ वायर फॉर रेबिट्स, एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें सामने में वायर होते हैं, उसको मतलब प्रोटेक्शन के लिए, केज के टाइप के, जाल के टाइप के, जिसके अंदर रैबिट रखा जाता है। किसके लिए? रैबिट के लिए होता है। वुडन बॉक्स विद ए फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्च, HUTCH। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ए होम फॉर ओल्ड पर्सन, बूढ़े लोगों के लिए एक घर होता है, ओल्ड एज जो घर बोलते हैं हम उसको, जो होम फॉर ओल्ड पर्सन, जहाँ पे सिर्फ ओल्ड लोग रहते हैं, तो उस होम को हम क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्फर्मरी। तो INFIRMARY, इन्फर्मरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ए हाउस फॉर शेल्टर फॉर ए डॉग, डॉग के लिए, आप घर में देखो, आपने देखा होगा डॉग के लिए एक अलग सा घर बनाया जाता है, छोटा सा घर, ठीक है, तो छोटा से घर को क्या बोलते हैं? उस छोटे से घर को बोलते हैं दोस्तों कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनल, KENNEL, कैनल बोलते हैं। ऐसा होता है, देखो आपने अगर टॉम एंड जेरी देखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कैनल क्या है। एक ऐसा छोटा सा घर होता है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जहाँ पे डॉग अंदर जाता है, उसके अंदर रहता है, और जब चाहे वो बाहर निकल सकता है, तो उस छोटे से घर को हम बोलते हैं कैनल। नेक्स्ट देखो, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, कोई भी एक वाइल्ड एनिमल का रेस्टिंग प्लेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेन। डेन भी बोला जाता है, और एक एक वर्ड है लेयर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेयर, LAIR, डेन या लेयर। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ पे पैसे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, पैसे तैयार होता है, जहाँ पे पैसे क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे, ठीक है, नोट्स हो, कॉइन्स हो, कुछ भी हो, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मिंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिंट, MINT। नेक्स्ट प्लेस देखो, नेक्स्ट मतलब सेंटेंस देखो, ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिस जगह में वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स रखा जाता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप का क्रिएट किया जाता है, और उसका अंदर मतलब बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये एक जगह है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, और वो पालतू नहीं होते हैं, वो सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, और वो एक जंगल को, एक बहुत ही बड़ा जंगल को एक बाउंड्री बना दिया जाता है उसके अंदर, ताकि वो लोग प्रोटेक्टर मतलब प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, ठीक है, उनको कोई खतरा ना हो, तो उस टाइप के प्लेस को क्या बोला जाता है दोस्तों? मेनागेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मेनागेरी, मेनागेरी बोला जाता है। और एक भी वर्ड इसका ये है कि सेंक्चुअरी भी बोला जाता है, ठीक है, तो सेंक्चुअरी वर्ड हम नॉर्मली ज़्यादा सुनते हैं, मेनागेरी वर्ड किसी को पता नहीं होता है, बहुत कम लोगों को, तो अभी याद रख लो इसको, मेनागेरी भी बोलते हैं हम इसको, स्पेलिंग पे ध्यान दो। नेक्स्ट देखो, ए रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट, मॉन्क का मतलब क्या है दोस्तों? जो लोग सन्यासी होते हैं, साधु सन्यासी, उनको मॉन्क बोला जाता है, नन भी बोला जाता है, और प्रीस्ट भी बोला जाता है। प्रीस्ट मतलब जो पूजा करते हैं, जो लोग भगवान को, उनको प्रीस्ट बोला जाता है। तो उनका रेसिडेंस मतलब उनको, उन लोग जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोनेस्टेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनास
ठीक है, मोनास्टेरी बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जिस जगह में डेड बॉडी रखा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो जिस प्लेस में रखा जाता है डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉर्ग, MORGUE। इसको पोस्टमार्टम नहीं बोलना, ये मॉर्ग है जहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए डेड बॉडी रखा जाता है। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, जहाँ पे डेड बॉडी रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। देखो, आइडेंटिफिकेशन अलग है और पोस्टमार्टम अलग है। आइडेंटिफिकेशन देखो, आपने मूवी में देखा होगा, एक ड्रॉ टाइप का एक रूम में होता है, कि ड्रॉ टाइप का बाहर निकलता है, उसमें डेड बॉडी होता है, तो ड्रॉ को निकालने से उसमें डेड बॉडी होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब उसके परिवार वाले आके देखेंगे कि पहचानेंगे कि वो जो डेड बॉडी है उनसे रिलेटेड है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन के लिए। जिस जगह में डेड बॉडी रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मोर्चुअरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्चुअरी, MORCHUARY, ठीक है, MORTUARY, मोर्चुअरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जिस जगह पे फ्रूट ट्री निकलते हैं, ठीक है, फलों का ट्री बढ़ता है जिस प्लेस में, जैसे चाहे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कश्मीर में, कश्मीर में क्या होता है, एप्पल के पेड़, बहुत सारे फ्रूट पेड़ वहाँ पे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो उस टाइप के प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्कैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्कैड, ORCHARD। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर ऑर्फेंस आर हाउस्ड, ऑर्फेन मतलब क्या है दोस्तों, ऑर्फेन मतलब जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। ए प्लेस वेयर ऑर्फेंस आर हाउस्ड मतलब जिनको रखा जाता है, जिनके माँ बाप नहीं होते बच्चों लोगों का, जिनको रखा जाता है जिस प्लेस में, उसको हम बोलते हैं ऑर्फेनेज। क्या बोलते हैं, ऑर्फेनेज। आपने देखा होगा एक टाइप का घर होता है जहाँ पे सिर्फ अनाथ लोग रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं, उसको उस घर को ऑर्फेनेज बोला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ए प्लेस फॉर प्रोविजंस एटसेट्रा इन द हाउस, यहाँ पे जो प्रोविजन वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए दोस्तों, ये खाना बनाया जाता है या खाना का बना बन, मतलब खाना बनाने वाला चीज़ें रखा जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, उस हाउस को क्या बोलते हैं। मतलब नॉर्मली जो प्लेस होता है हाउस में, हाउस के अंदर जो प्लेस होता है जहाँ पे खाना बनाया जाता है या खाना बनाने वाले चीज़ें स्टोर करके रखा जाता है, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, पैंट्री बोलते हैं। पेंट्री वर्ड्स फेमिलियर हो गए, अगर आप ट्रेन में जाते हो तो डेफिनेटली पेंट्री वर्ड से आप फेमिलियर हो गए, क्योंकि ट्रेन में एक बोगी होता है जिसका नाम पेंट्री होता है, पेंट्री कार बोलते हैं, जिसमें खाना बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग एट्सेट्रा, एक छोटा सा फाइल के टाइप, ठीक है, एक फाइल जैसा होता है जिसमें पेपर रखा जाता है, ड्राइंग रखा जाता है, उसके अंदर आप हम सजा के सब कुछ रख सकते हैं, तो एक फाइल को, नॉर्मली ये फाइल ही है, पोर्टेबल केस मतलब, पोर्टेबल का मतलब क्या है, हाथ में हम कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल मतलब हाथ में कैरी किया जा सकता है, जिस केस को जिसमें पेपर रखा जाता है, ड्राइंग रखा जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड में पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट लाया देखो, ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, जिस जगह में, जिस प्लेस में वाटर कलेक्ट किया जाता है, पानी को कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है। नॉर्मली आप घर वगैरह में देखते हो अंडरग्राउंड में पानी को, बारिश के जो वाटर हार्वेस्टिंग होता है, पानी को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, तो जिस जगह में पानी को कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर। जो डैम वगैरह आपने देखा होगा, डैम में क्या होता है, वो डैम में एक बड़ा सा, मतलब एक जगह में, एक बड़ा सा जगह में पानी स्टोर, नदी का पानी स्टोर किया जाता है वहाँ पे, बारिश का पानी स्टोर किया जाता है वहाँ पे, और जब भी वो लेवल एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर हो जाए, तब डैम का जो डोर होता है, गेट होता है, उसको खोल देते हैं ताकि बाढ़ ना आए, बाढ़ को मतलब कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया जाता है, ठीक है। तो रिजर्वर बोलते हैं जहाँ पे वाटर कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लेजर और हेल्थ, मतलब जिस जगह में लोग जाते हैं, मतलब आनंद पाने के लिए या हेल्थ के लिए जाते हैं, तो उस जगह को, मतलब उस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं रिजॉर्ट। रिजॉर्ट पता है दोस्तों, रिजॉर्ट होटल नहीं होता है, रिजॉर्ट मतलब एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, स्विमिंग पूल अवेलेबल है, रहने के लिए अच्छा है, मतलब वहाँ पे रूम्स हैं, फिर होटल जैसे है, अंदर सब कुछ अवेलेबल है, तो एक लिविंग एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे, तो उस जगह को, वहाँ लोग क्यों जाते हैं, प्लेजर के लिए और हेल्थ के लिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिजॉर्ट,
RESORT, रिजॉर्ट सबको पता ही होगा। नेक्स्ट देखो, ये हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स, घोड़ों के लिए जो घर बनाया जाता है, घोड़ों के लिए जो घर होता है जहाँ पे घोड़े रखा जाता है, ठीक है, हाउस को रख मतलब हॉर्स को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है, ठीक है। पिग्स, पिग्स का मतलब क्या है? सुअर। तो जहाँ जहाँ सुअर को रखा जाता है या सुअर का घर को हम क्या बोलते हैं? स्टाई, STY, स्टाई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर प्लेट्स डिशेस पॉट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप, जहाँ पे ये सब धोया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बर्तन धोते हैं दोस्तों। मतलब नॉर्मली अगर सिंपल लैंग्वेज बताऊँ तो जहाँ पे बर्तन धोया जाता है, तो उस जगह को क्या क्या बोलते हैं हम? जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं उस जगह को इंग्लिश में हम बोलते हैं, वन वर्ड में, स्कुलेरी बोलते हैं। SCULLERY, ठीक है, स्कुलेरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ए केस इन विच द ब्लेड ऑफ ए स्वर्ड इज केप्ट, मतलब जो जिसमें मतलब तलवार रखते हैं, तलवार रखने का एक केस होता है, मतलब एक कवर होता है, तो उस कवर को क्या बोला जाता है वन वर्ड में, यहाँ पे पूछ रहा है, तो उस कवर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीत। और एक वर्ड भी है, सीत भी बोल सकते हैं या स्कैबर्ड भी बोल सकते हैं, SCABBARD, स्कैबर्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, जो लोग बीमार होते हैं जिस जगह में वो रहते हैं वहाँ पे रिकवर होने के लिए, मतलब हेल्थ अच्छा होने के लिए, मतलब जो बीमार है उस बीमारी से रिकवर होने के लिए जिस प्लेस में वो रहते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? सैनिटोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैनिटोरियम, सैनेटोरियम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्लेस वेयर लेदर इज टैंड, टैन का मतलब है दोस्तों केमिकल प्रोसेस यूज करके उसके कलर को चेंज करना, ठीक है। जैसे लेदर, लेदर का मतलब क्या है? चमड़ा होता है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चमड़ा को लेके यूज करके जूता बनाया दिया मतलब बना देते हैं, नहीं। चमड़ा को एक मतलब क्या करता है, एक प्रोसेस के द्वारा वो गुजरता है, उसको स्ट्रांग बनाते हैं और उसको ड्राई करते हैं, ठीक है, एक टाइप के मटेरियल उसको बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को टैन बोला जाता है। टैन किया जाता है मतलब उसको क्या किया जाता है कि डार्क किया जाता है, उसको कलर को डार्क करते हैं, उसको जलाने के टाइप किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके प्रोसेस होते हैं, तो जिस प्लेस में वो सब किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेनेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनेरी। टैंड जहां पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं टेनेरी, टेनेरी। क्लियर? ए प्लेस फॉर क्लोथ्स, घर में हम जहां पे क्लोथ रखते हैं दोस्तों, जिस जिस जगह में हम क्लोथ रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वार्ड्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्ड्रोब। ठीक है, आपने देखा होगा जो अलमीरा बोलते हैं हम, तो अलमीरा को हम वार्ड्रोब भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे हम क्लोथ रखते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे लेक्चर 5 खत्म होता है, और इस लेक्चर्स को लेके हम ऑलरेडी मतलब इस लेक्चर को अगर ऐड कर दे तो 250 वर्ड हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो 250 वर्ड इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट, और आई होप, मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये 250 वर्ड ऑलमोस्ट याद रख चुके हो इस लेक्चर्स के साथ। तो 50 वर्ड याद रखना एक दिन में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको रटना नहीं है, बस पढ़ना है। एक बार वीडियो देख लिया, फिर से क्या करना, SVVC बुक है तो फिर से देख लेना, फिर से एक बार रीडिंग कर लेना, अच्छे से याद रह जाएंगे क्वेश्चंस, और आप भूलोगे नहीं ये वर्ड्स। एग्जाम में जब भी फेस करोगे इस टाइप के वर्ड, आप आंसर टिक कर दोगे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।